क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, स्टार्ट किया था ना? नहीं सर, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जैसा शुरू में बताया था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वेक्टर मिले तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ये वेक्टर ही होगा। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सी वेक्टर होगा। तो ये जो C है वो वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन अगर करना है तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे आते हैं। So, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और A क्रॉस B का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। So, plane containing A and B in accordance with right hand thumb rule. ये right hand thumb rule मालूम है तुम लोगों को कि नहीं? नहीं नहीं पता होगा। खैर बस चलो सिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो फिर सिखाता हूँ। सर दिस हैंड राइट हैंड थंब रूल सिमिलर टू मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल। पढ़ाऊंगा घबराओ मत, पहले कॉपी कर लो, इतना बताता हूँ सीखेंगे।
लिख लिया सबने? हो गया ठीक है। हाँ सर। देखो राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ये है वेक्टर ए और ये एक दूसरा है मान लो वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मुझे ए क्रॉस बी चाहिए अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए से सेकेंड वेक्टर की ओर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। सो फ्रॉम ए टू बी कर्ल करेंगे तो ये जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। जैसे इस लैपटॉप के प्लेन में ए से बी तक मैंने फिंगर को कर्ल किया तो ये थंब क्या है, लैपटॉप का इनवर्ड नॉर्मल। तो ये जो थंब है ये ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। समझ आया कुछ? ए से बी तक अगर हम अपने फिंगर को कर्ल किया इसका राइट हैंड का, तो जो थंब होगा उसका डायरेक्शन इसमें किधर होगा, यहां पर अंदर की ओर ऐसा। मतलब इस प्लेन में नहीं, अंदर की ओर, समझ रहे हो? Yes, हाँ, तो ये जो अंदर की ओर हुआ ये हुआ आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्लियर है? तो yes, अब ये अंदर बाहर लिखने में ऐसा है, तो अंदर की ओर का मतलब है कि ऐसे अंदर को मान लो क्रॉस कहते हैं और बाहर को डॉट कहते हैं, तो अंदर की ओर। B क्रॉस A होता तो फ्रॉम B टू A हम फिंगर को कर्ल करते तो थंब का डायरेक्शन बाहर की ओर। सो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर राइट हैंड के फिंगर को हम लोग कर्ल करेंगे। और एग्जांपल अच्छे से अच्छे डायग्राम में बताता हूँ, जैसे ऐसे समझो। ये देखो इसमें थोड़ा ठीक समझ, दो डायग्राम को साथ में रखते हैं, एक ए क्रॉस बी को
और एक दूसरा इसी के बी क्रॉस ए को देखते हैं, तो दो एक साथ रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा इसी का बी क्रॉस ए देखो, ए क्रॉस बी में इन दोनों को साथ साथ ध्यान से देखोगे तो ए क्रॉस बी में फिंगर को किधर कर्ल किया है, फ्रॉम ए टू बी, देखो फ्रॉम ए टू बी ऐसे है ना, B क्रॉस A में फ्रॉम B टू A ऐसे कर्ल किया है, समझ आ रहा है। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर है, इसमें B क्रॉस A का प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे है, कुछ समझ आया? हाँ सर। कॉपी कर लो, ये है आपका राइट हैंड थंब रूल।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ो। सो ये सेकंड पॉइंट समझा रहा दोनों का। क्या समझाऊं? सेकंड पॉइंट नहीं समझा क्या? पॉइंट पॉइंट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग ए विद पाम फेसिंग बी। तो राइट हैंड लो, राइट हैंड लो हाथ में। यस सर। राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो, तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए। ए है। और उसको सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये ए क्रॉस बी हो गया। हाँ सर। सेकंड में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी। बी है सर। उधर राइट हैंड के फिंगर को लो और फर्स्ट सेकंड वेक्टर की ओर कर्ल करो, तो थंब का डायरेक्शन किधर हो गया? नीचे की ओर। हाँ सर। आया समझ में सबको? हाँ। पक्का? यस। हाँ सर। अब ये डायरेक्शन अगर समझ में आया तो सिर्फ डायरेक्शन का एक क्वेश्चन बताओ ओरली। इसको बताओ।
बोलो आया कुछ आंसर? हाँ सर, क्या आया? लॉन्ग वेस्ट है। और कोई? सर ईस्ट। मतलब किधर आया जो ऑप्शन में नहीं है? बड़ा रहे सर। चलो इधर देखो, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट। वेक्टर ए वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेक्टर बी टुवर्ड ईस्ट है। तो ये हो गया वेक्टर बी। और वेक्टर ए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें तो प्लेन के पेपर के अंदर होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? इधर की ओर होगा। हमका कुछ मुझे नहीं लगता है। देखो फिर से समझो, इधर देख सर, वर्टिकली डाउनवर्ड ये हुआ, ईस्ट ये हुआ है ना, ये ब्लू वाला पेन है ईस्ट और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ऐसा? Yes, sir. तो A क्रॉस B करेंगे तो इधर आएगा। तो अगर ये राइट वाला ईस्ट है मतलब लेफ्ट वेस्ट, उधर नॉर्थ और इधर साउथ होगा मेरी तरफ। Yes. आया समझ में? Yes, sir. ये हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड और ये हुआ ईस्ट, तो वर्टिकली डाउनवर्ड से ईस्ट की ओर फिंगर कल करेंगे तो इधर आएगा। तो राइट अगर ईस्ट है तो लेफ्ट वेस्ट, उधर हो जाएगा नॉर्थ और मेरी तरफ हो जाएगा साउथ। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। सो आंसर विल बी टुवर्ड साउथ। तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बता चुका हूं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। ऊपर में जो दो एग्जाम्पल दिया था उन दोनों एग्जाम्पल को देखकर आसानी से समझ में आ गया होगा कि
कि मॉड सॉरी ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। नो सर। लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। यस सर। होगा? यस सर। अच्छा, तो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, कॉमन सेंस है। दूसरा, ए क्रॉस ए क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर। सोच के बताओ। जीरो जीरो मॉड ए मॉड ए साइन थीटा, तो जीरो होगा, बट होगा तो वेक्टर ना, ए क्रॉस ए स्केलर तो नहीं हो सकता। नो सर। तो इसको हम लोग कहते हैं नल वेक्टर, एक नया टर्म है आपके लिए। तो नल वेक्टर वो हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो जीरो वर्ड नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। नल वेक्टर या दूसरा नाम है इसका, जीरो वेक्टर। आया समझ में? यस सर। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जीरो। जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी होगा जीरो वेक्टर। के कैप क्रॉस के कैप ये भी होगा जीरो वेक्टर। होगा ऐसा? हाँ सर। ये है आपका आई कैप का डायरेक्शन, ये है आपका जे कैप का डायरेक्शन और ये है आपका के कैप का डायरेक्शन। सो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? के कैप। फ्रॉम आई टू जे प्लस के में आएगा? यस सर। आएगा तो आई क्रॉस जे इज के और आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। माइनस के। माइनस के। सबको समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरह जे क्रॉस के आई कैप। आई कैप। आई कैप। वेरी गुड। सबको समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। यस सर। तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा? माइनस i। माइनस i। माइनस i क्या? चलो बहुत बढ़िया। k क्रॉस i j क्या? k क्रॉस i प्लस j। तो i क्रॉस k माइनस j। माइनस j। माइनस j। चलो इतना पहले कॉपी कर लो।
रिकॉर्डिंग हो गया यस सर आगे बढ़ू यस सर अब देखो ध्यान से लिखना मत ध्यान से देखो सब क्या होगा नोट नंबर 4-5 क्या है 4-4 ऐसे समझो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप एक दूसरा वेक्टर है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप ऐसा और मुझे ए क्रॉस बी ढूंढना है अगर तो ए क्रॉस बी अगर ढूंढना है तो ऐसा होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इसको क्रॉस करोगे तो ऐसा होगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई रूप ऐसा कर देते हैं सिस्टमेटिकली ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के इससे हो गया अब इससे ए वाई बी एक्स जे क्रॉस के जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कुछ नहीं केवल मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं थर्ड इससे तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के ऐसा होगा ये नॉर्मल ऑर्डर में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही किया है तो अब इसमें ध्यान से देखोगे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस ये तीनों तो जीरो हो जाएगा यस सर आई क्रॉस जे क्या होगा के आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के माइनस के जे क्रॉस के क्या होगा आई के क्रॉस आई जे माइनस माइनस जे और के क्रॉस जे माइनस आई तो ये आई वाले सबको एक साथ करोगे
तो एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है ना. सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस माइनस जे कैप कॉमन ले लोगे तो ए एक्स बी जेड माइनस माइनस जे लिया ना सर के कैप आई कैप प्लस जे होता है तो ए एक्स बी जेड माइनस जे कहा यहाँ ए जेड बी एक्स प्लस के कैप को कॉमन लो तो के लेंगे तो यहाँ एक्स बी वाई होगा और माइनस के किधर है इधर तो माइनस ए वाई बी एक्स के कैप ऐसा कुछ होगा ए क्रॉस बी सर के कैप आई कैप जे कैप अब बोलो कहाँ दिक्कत है सर थर्ड लाइन का फर्स्ट वाला हाँ के क्रॉस आई ये माइनस जे ये प्लस जे ठीक है तो ये आपका ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया तो ये तो फॉर्मूला है लेकिन ये इतना लंबा है कि इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है ना तो इसको याद रखने के लिए इसको याद रखने के लिए क्या करो ये याद रखने का तरीका है डिटरमिनेंट को तोड़ना पढ़े हो कभी स्कूल में क्या करो कि फर्स्ट रो में आई जे के सेकेंड रो में ए एक्स मतलब फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो इसको अगर ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक ऐसे करते हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस प्लस अब जैसे आई कैप लिया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो आई कैप कॉमन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ऐसा लिखा हुआ है आई कैप कॉमन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आया समझ में अच्छा दूसरी बार माइनस जे कैप तो सेकेंड बीच वाले रो को छोड़ दिया तो बीच वाला रो और उस कॉलम को छोड़ दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड आया समझ में ऐसा समझा थर्ड में के कैप तो के वाले इस रो और ऊपर वाले कॉलम को छोड़ दो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई दिख रहा है तो इतना लंबा एक्सप्रेशन याद रखने से अच्छा है कि जब भी मुझे ए क्रॉस बी ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे इस तरह का एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और ऊपर साइंस के लिखे हुए हैं क्या सब ऊपर साइन क्या चीज के लिए लिखे आई कैप और जे के साथ माइनस जे कैप और के साथ फिर प्लस के कैप ठीक है तो ये एक तरीका है जिससे कि याद रखने में आसानी होती है सिमिलरली ऊपर जो मैंने बताया था ये आई जे के ये बार बार ऐसा करके जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है आप ऐसे याद रख सकते हो कि आई जे के एक ऑर्डर में है ऐसा तो आई जे के को एक ऑर्डर में ले लोगे इस तरह से समझो ये आई है ये जे है और ये के है तो इसमें अगर इस ऑर्डर में चल रहे हो तो पॉजिटिव है जैसे आई क्रॉस जे प्लस के जे क्रॉस के प्लस आई के क्रॉस आई प्लस जे और ये जैसे ही ऑर्डर उल्टा होगा
तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टर्म जो इतना बड़ा है ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होगी। समझ आया कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सर सर हमने जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो ही आएगा ना? जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डॉट मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो ही होगा ना। हो गया सर? नहीं सर। Sorry.
हो गया? यस सर। लिख लिया सबने? अब ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया है और डॉट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो एक ये क्वेश्चन कीजिए पहले।
आया कुछ बोलो? ए क्रॉस बी क्या मिला? माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस 24 के कैप, सबको यही मिला? यस सर। कोई है जिसको नहीं मिला? कोई है जिसको बताने की जरूरत है? बोलो, शर्माओ मत, शर्माओगे कुछ नहीं सीख पाओगे। फाइव थ्री वन टू सिक्स वन, यही है ए क्रॉस बी? तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो आई कैप को बाहर रखेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस सिखाया था। यस, आई कैप को बाहर रखा मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दीजिए। थ्री माइनस सिक्स, ठीक है, आया समझ में? यस सर। अगली बार माइनस जे कैप को बाहर रखा तो माइनस जे कैप को बाहर रखा, फिर मिडिल वाला रो कॉलम हटा दो तो फाइव माइनस टू हो गया ऐसा। यस सर। अगली बार प्लस के कैप को बाहर रखा तो ये फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम हटा दो तो सिक्स फाइव जा थर्टी माइनस थ्री टू जा सिक्स, आई बात समझ में? यस सर। तो माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस 24 के कैप, यही आया था आंसर? यस सर। सबको यही आया था? यस सर। सेकंड में क्या पूछा था? डॉट प्रोडक्ट ए बी एंड सी, डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसा पूछा था? यस सर। तो ए क्रॉस बी तो हो गया माइनस थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस 24 के डॉट, सी वेक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस 24, ऐसा होगा? यस सर। तो सेकेंड आंसर 24 आया था? यस सर। पक्का? सब लोग देख लो, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Second वाला एक मिनट। सेकंड वाला एक बार एक्सप्लेन करोगे? क्या एक्सप्लेन करूं? ए क्रॉस बी समझ आया सर? वो राइट आया था,
उसको सी के साथ डॉट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप और आई कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप और जे कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप और के कैप के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ना? हाँ सर। ओके आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और करो। इसको करो।
सबने कर लिया? यस सर। क्या आंसर आया? बोलो सर। मुझे आया 17 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन होल रूट 17 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। पहली बात तो इसके दो आंसर होंगे। देखो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों ए और बी पर परपेंडिकुलर होगा। यस सर। यस सर। ये बात समझ आ रही है? तो yes. पहले तो ये समझो हमारा आंसर क्या होगा। प्लस माइनस ए क्रॉस बी, प्लस माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि बी क्रॉस ए रहे या ए क्रॉस बी रहे, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा आंसर होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके आगे तो बस कैलकुलेशन है। ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे समझो ना, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए भी इस पर परपेंडिकुलर होगा। yes, sir, तो इन दोनों डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ होगा। yes. मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल लूं तो मेरा काम चलेगा। टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, वन माइनस टू और के कैप के साथ क्या है? थ्री।
अब देखो, थ्री थ्री जा नाइन, फोर टू जा एट, नाइन प्लस एट हो जाएगा माइनस जे कैप, थ्री टू जा सिक्स माइनस फोर प्लस के कैप, टू टू जा फोर माइनस थ्री। आई बात समझ में? तो सेवेंटीन आई माइनस टू जे माइनस सेवन के, तो मेरा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस सेवेंटीन आई माइनस टू जे माइनस सेवन के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट सेवेंटीन स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर, ऐसा होगा? तो ये टर्म कितना होगा? सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन, टू स्क्वायर फोर, फोर्टी नाइन प्लस फोर फिफ्टी थ्री, और सेवनटीन स्क्वायर में फिफ्टी थ्री एड करके बताओ कितना होगा? तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री फोर्टी टू, और यहाँ पर प्लस माइनस, और ये हो जाएगा सेवनटीन आई माइनस टू जे माइनस सेवन के, ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? पक्का? कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। हाँ सर। सर अगर न्यूमरेटर में वैल्यूज कॉमन आ जाती है तो फिर कैंसिल कर सकते हैं ना, फिर ऊपर नीचे से? मतलब ये जो ब्रैकेट है इसमें से कुछ अगर वैल्यू कॉमन निकल जाती है तो फिर रूट की वैल्यू? हाँ, हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़ो। तो जो भी चल रहा था कहां तक था? नोट नंबर फोर तक। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नोट फाइव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ध्यान से देखो, लिखना बाद में, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर का नाम है ए, इस वेक्टर का नाम है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मैं क्या करता हूं, इसको जस्ट ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। कुछ नाम दे दो, ओ
ए बी एम कुछ ऐसा। तो ये जो एम होगा इस एम की वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए साइन थीटा के बराबर। सोच के बताओ। और इस ओ बी की वैल्यू मॉड ऑफ बी के बराबर होगी। ओ बी मॉड ऑफ बी के बराबर होगी, ये तो समझ आ गया होगा। ए एम की वैल्यू मॉड ऑफ ए साइन थीटा के बराबर होगी। ट्रायंगल ओ ए एम में साइन थीटा पी बाई एच करके देखो। Yes, आया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना। यस सर। सो हाफ इंटू मॉड बी इंटू मॉड ए साइन थीटा, ऐसा होगा। तो ये ऐसा दिख रहा है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दिख रहा है ऐसा। तो यहां से हम ये समराइज कर सकते हैं, हेंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय taking A and B as two sides of triangle, ऐसा होगा। Yes, yes sir. Common sense है। Yes sir. इसी बात को ऐसे कहते हैं। वही डायग्राम है, जस्ट मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने में आसानी हो इसलिए पहले ऐसा कर दिया। ये है आपका एक वेक्टर बी और ये था आपका दूसरा वेक्टर ए। ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी अभी जो किया था, और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया था। तो इस ट्रायंगल का एरिया था हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी ए क्रॉस बी, ऐसा था। ऐसा था। yes, इसी ट्रायंगल का एरिया था ना हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं ध्यान से देखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखूं, ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है ओ ए सी बी, तो ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ सर। पक्का? तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो फाइनली ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया। बोलो। yes, तो ये एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स टेकिंग एट देयर एडजेसेंट साइड।
Yes, sir. So mod of A cross B is equal to area of parallelogram formed by A and B as their adjacent sides. आई बात समझ में? तो जिस पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर प्लीज एक बार रिपीट करो, मेरा कंक्लूजन बताओ। लिखो, लिखा हुआ है, नया कुछ नहीं बोला है, मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए पहले।
सर हो गया लिख लो हो गया सबका आगे बढ़ो यस सर था कोई क्वेश्चन एरिया वाला मिल जाए मिल जाएगा एक चीज देखो जस्ट ऐसे मतलब देखते हैं बता पाते हो या नहीं हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा बट कोशिश करो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 4-5 कौन सा होगा ये 4 होगा शायद 4 एक बार दिमाग लगाओ तो क्या है ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है समझना है केवल ड्राइंग करो केवल समझ जाओगे रैंडमली कुछ भी बना देता हूं मैं ये हो गया ए ये हो गया बी और ये हो गया सी मान लो ठीक है तो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है ऐसा है लिखा है ना वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल का पोजीशन वेक्टर ए बी सी है ऐसा लिखा है बोलिए यस सर कलर यूज करता हूं तो समझ
मतलब ये आपका ट्रायंगल है ना, ये जो वेक्टर है ए बी, इसको क्या लिखोगे, बी माइनस ए लिखेंगे। इस रेड वाली लाइन को बी माइनस ए लिखेंगे, सोच के बताइए। यस सर, बताया था ना, b माइनस ए वेक्टर ए बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a। ठीक वैसे ही इस वाली लाइन को c माइनस ए लिखेंगे, बोलो। यस सर, अब एक बार इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, मतलब b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, देखो क्या होगा, ये होगा b क्रॉस c माइनस a क्रॉस c माइनस बी क्रॉस ए और प्लस ए क्रॉस ए, ऐसा होगा। ए क्रॉस ए तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए कर सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी कह सकते हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सो मॉड ऑफ, ध्यान से समझना, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में यही है शायद, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन में, इसी मॉड का वैल्यू ढूंढना है ना क्वेश्चन में। देखिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये जो है ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये तो जो ट्रायंगल एबीसी है उसके दो एडजेसेंट साइड है, ये तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। हाँ सर। इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। सर सिर्फ एक बार वो साइड्स को बी माइनस ए एंड सी माइनस ए कंसीडर किया ना, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। दो तरीका है करने का, पोजीशन वेक्टर पढ़े हो? नहीं, तो चलो ओ ए बी दिख रहा है। यस सर। तो ओ ए प्लस ए बी इज ओ बी, ट्रायंगल लॉ से ओ ए प्लस ए बी इज ओ बी। हाँ सर। तो ओ ए ए है, ओ बी बी है, तो ए बी बी माइनस ए होगा। हाँ सर, समझा। ठीक है, तो आंसर विल बी देन दिस रिप्रेजेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल लिखा है ना, तो आंसर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझा आप लोगों ने? सर। हाँ सर, वो कैसे है, बेटर बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू बी इनटू सी माइनस ए, मल्टीप्लाई किया b into c minus a नहीं है गधे, वो है गधे, ऐसा है b into c
फिर प्लस माइनस ए इंटू सी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहा है? हाँ सर, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो है। जैसे b इंटू सी मल्टीप्लिकेशन का एक टर्म हो गया, माइनस ए क्रॉस सी दूसरा टर्म हो गया, माइनस ए क्रॉस बी तीसरा टर्म हो गया, ए क्रॉस ए चौथा टर्म हो गया, और सब टर्म के बीच प्लस का साइन है, समझे? हाँ, यस सर। ठीक है, आप लोग वेक्टर का जो मॉड्यूल मिला है वो आप लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है? शुरू में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वेक्टर चैप्टर अब आपका खत्म हो गया है, केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कराना है थोड़ा और, तो मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के, और आप मॉड्यूल भी स्टार्ट कर लीजिए, वो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 वीक का टाइम है, सारे होमवर्क करके आइए, फिर अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। मॉड्यूल में से पहले होमवर्क दिया था? हाँ सर। तो बाकी रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हैं सब कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। सो होमवर्क इज मॉड्यूल, जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है? अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आया समझ में सबको? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।